देखिए कहना क्या है, दीक्षिता बचपन की दोस्त है और उसकी खुशी में शामिल होने का तो हक है। हम हक से आए हैं, हम यहाँ विजिट करने नहीं आए हैं, हमारा ही इंस्टीट्यूट है। और दीक्षिता ने ज़िंदगी में बहुत से ऐसे अनकन्वेंशनल काम किए हैं जिनमें से ये एक है, हर चीज़ में वो सक्सेसफुल रही है। तो हम सबकी दिली दुआ है कि दिया दीक्षिता इंस्टीट्यूट ऑफ एक्टिंग भी उतना ही सुपर सक्सेसफुल हो जैसा उसके बाकी के वेंचर्स होते हैं। और केशव भी घर का ही है, उसका बर्थडे है, उसका बर्थडे क्या हम सबका बर्थडे है, तो उसको ढेर सारी बधाइयाँ। दे हैव हैड रादर डिफिकल्ट लास्ट ईयर, लेकिन प्यार जिंदा रहा, दोनों साथ हैं आज और उनकी खुशी में हम लोग भी शामिल होने आए हैं। उसकी एक्टिंग इंस्टीट्यूट में इंसिडेंटली मैं क्लासेस भी लेने वाला हूँ, तो आई नीड अ बिट ऑफ लक ऑल्सो, क्योंकि एक्टिंग सिखाना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि कोई किसी को सिखा नहीं सकता, सब खुद ही सीखते हैं। हमारा काम को गाइड करना है, थोड़ा सा एक्सपीरियंस है हमें इंडस्ट्री में, हम चाहेंगे कि अच्छा अच्छा टैलेंट आए। और एक खास बात यह है इस इंस्टीट्यूट की, यहाँ पे जिमनेजियम से कास्टिंग नहीं होगी, तो सिक्स पैक हो या ना हो इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, अच्छी एक्टिंग हो वो ही बहुत जरूरी है। थिंक बहुत बेटर है क्योंकि उनकी कॉन्सेंट्रेशन को पता एग्जैक्टली क्या चाहिए। तो एक्टिंग स्कूल आई थिंक जितने भी हो उतने कम है, क्योंकि बहुत लोगों का दिल है कि एक्टर बनना है। अब डिप्सी आई एम श्योर अगर स्कूल चलाने वाली है तो वो ये भी देखेगी लोगों को काम भी मिले, यही हमारी दुआ है कि आज बर्थडे के दिन पे लॉन्च किया है, बहुत ही अच्छा दिन है। आई थिंक इट्स अ वंडरफुल डे। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं छोटी सी एक लाइन कहना चाहूँगी कि अपने आप को जलाकर जो रोशनी देता है वो है दिया, एंड दीपशिखा उसकी लौ होती है। तो मेरी बहन ने इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया है, हमारे पूरे खानदान का नाम रोशन किया है, एंड आई एम प्राउड ऑफ हर। और आज मेरे जीजा जी का बर्थडे भी है, तो इट इज डबल सेलिब्रेशन। बैक अगेन माय सिस्टर एंड माय जीजू, सो आई एम वेरी हैप्पी and God bless my sister's academy. Love God bless you. Thank you. I think it's a great endeavor because every actor end of the day learns so much in their journey. So I feel jitne naye log aayenge they'll really benefit from what we have learnt, and it's an insider's perspective. Jo usse zyada authentic perspective koi nahi de sakta aapko. Hum day in and day out cheeze seekhte hain, cheezon se guzarte hain. So who better than us to teach? Thank you. Unfortunately for me. And they are there with me. I am so blessed to love you. Always. Shikha is the best, right? She is. और अभी आपका आपके उसका abbreviation है DIA, दिया, दिए जलाने वाले हो, acting के कोशिश कर, acting के कीड़े होते ही acting के दिए जलाएंगे। रवि सर, जैसा कि दीपिका दीक्षा ने बताया कि सबसे पहले आपने जी नहीं, मैं इनको देख के ये सीखता था कि मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि रियल लाइफ में भी इतनी अच्छी एक्टिंग करती थी।
No, no, nothing. ऐसा भी टिप्स विप्स की क्या बात है? We just friends. दोस्तों के जैसे. देखिए ना मैंने डांस के क्लासेस किए हैं ना मैंने एक्टिंग की है. शायद ये पहले आती तो मैं कर लेता. नाउ जो है वैसे ही चल रहे हैं. कलाकार और बेवकूफ पैदा होते बनाए नहीं जाते. वाह 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 किया जाता. ये बात सुन के मेरी लेफ्ट आंख में आंसू आ गया. बहुत इमोशनल था. ओके गाइस हाँ देखिए नहीं डेफिनेटली मैं ये मानता हूँ कि देयर शुड बी मोर ट्रेनिंग स्कूल्स. जैसे हर एक प्रोफेशन के ट्रेनिंग स्कूल्स होते हैं एक्टिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि एक तो आप थोड़ा ओपन अप हो जाते हैं. गॉड गिफ्ट अलग बात होती है लेकिन उसको भी पॉलिश करने के लिए कोई ना कोई स्कूल होना बहुत जरूरी. तो लाइक व्हाट एक्टिंग डज इज यू नो दी स्कूल दे एक तो आपके इनहिबिशंस निकाल देती है. दूसरे टेक्निकली आपको बहुत नॉलेज आ जाती है कि कैमरा कैसे होता है लाइट्स क्या होती है स्क्रीन पे एक्टिंग क्या होती है स्टेज पे होती है. तो मेरा ये मानना है कि अगर अच्छे टीचर्स हों तो डेफिनेटली आपका काम बहुत जल्द हो सकता है. जो चीज़ आपको 10 साल लग सकते हैं करने में शायद 2 या 3 साल. एंड बाकी मैं मानता हूँ कि टू बी अ गुड एक्टर एक होता है ऊपर से होता है. जी एक्टिंग इज वर्किंग सो हार्ड दैट यू डोंट एक्ट एनी. जितने आप नेचुरल लगे जितने एफर्टलेस लगे आई फील दैट इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ एक्टिंग. तो यू हैव टू लर्न हाउ नॉट टू एक्ट एंड हाउ यू वुड बी व्हेन यू आर इन अ कैरेक्टर अकॉर्डिंग टू मी. लास्ट क्वेश्चन आप खुद को कितना रेट करेंगे 1 टू 10 में कौन सा नंबर देंगे एज एन एक्टर. अब आई जैसे मैंने बोला आई डोंट कंसिडर के एक्टर ऐसा जो मैं हूँ वो मैं हूँ और रेटिंग तो मैं थोड़ी दे सकता हूँ क्या जाऊँ अच्छा हूँ बहुत अच्छा. आप क्या कहेंगे आज किशोर जी का बर्थडे भी है एंड दियर जो इंस्टीट्यूट लॉन्च हो रहा है दीपशिखा जी का आप क्या कहेंगे. आई थिंक दीपशिखा इज अ वुमन जो बोलती है वो करके दिखाती है. शी हैज अ लॉट ऑफ डिटर्मिनेशन शी हैज अ लॉट ऑफ ग्रिट एंड द वे शी वर्क्स अराउंड थिंग्स यू नो जो भी प्रोजेक्ट करती है बड़े दिल से करती है. तो आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. द फर्स्ट थिंग दैट आई थिंक हर स्टूडेंट्स वुड लर्न इज that determination, that live it up to, you know, everything, like with a smile, go through all your struggles and that's what they will learn and come out to be winners. मुझे याद आ रहा है कि मैंने उसकी फिल्म देखी थी मेरा एक मोमेंट जो था एंड आई रिमेंबर कॉलिंग हर अप एंड टेलिंग हर दीप्शी यू डन अ फैंटास्टिक जॉब. She said, मेरी एक्टिंग कैसी लगी. I said, the best part was acting नहीं लगी. You know, so that was my compliment to her and definitely I think she is very natural. और जैसा कि मैं अभी थोड़ी देर पहले किसी से कह रहा था कि वो एक्टिंग के कीड़े होते हैं इसका वो है DIA. तो ये एक्टिंग के दिए जलाने वाली है सबके. देखिए अननोटिस्ड इज अ वेरी ब्रॉड टर्म. आई डोंट थिंक इट्स यू नो यू कैन से दैट देयर आर फैंटास्टिक पीपल हु एक्ट फैंटास्टिकली. मेरे फेवरेट्स जिनका ज्यादा नाम लेना चाहिए ऑफ कोर्स दिलीप कुमार साहब थे लेकिन मोतीलाल जी यू नो बलराज साहनी जी मेरे हिसाब से दे वर द मोस्ट नेचुरल एक्टर्स. और ज्यादा उनकी बातें करनी चाहिए वो कहीं लोग इतना बातें नहीं करते. दैट्स व्हाट आई थिंक. नहीं मैं ऐसा हूँ कि मैं पूरा ऑनेस्टली से बता देता हूँ. He's the biggest critic. Biggest critic. And he's still smiling. You've allowed him to smile. मैं बता देता हूँ कि ये मुझे अच्छा नहीं लगा और ये मुझे अच्छा लगा. तो कितना खाने से भुगतना पड़ता है आपको. बहुत बहुत खाने से. दाढ़ी क्यों बढ़ी गई. देवदास बन चुके हैं. उन एक्टर्स का नाम बहुत पसंद आता है. आई थिंक आई हैव बीन एन आर्डेंट फैन बचपन से लेकर आज तक श्रीदेवी जी.
बिकॉज आई थिंक मेरा जॉनर भी कॉमेडी है. उन्होंने भी अपने पूरे करियर में ज़्यादातर बहुत अच्छी तरह से एंड कॉमेडी नॉट इन द स्टाइल ऑफ कैरिकेचर. कॉमेडी मतलब जहाँ सीन्स की रिक्वायरमेंट होती है वहाँ बहुत ही बेहतरीन तरीके से और खूबसूरती से, क्योंकि कॉमेडियंस हमेशा ऐसे देखा जाता है कि कॉमेडियन सिर्फ कॉमेडी करने के लिए होते हैं, एक दो सीन किए फिल्म में निकल गए. But she has always done a good job and she's the mainstream heroine all the time and done a lot of good comedy. So I've been an ardent fan of Sridevi ji. रवि सर, क्योंकि बात हो रही है इंस्टीट्यूट की और एक टाइम पे चाहे वो बूढ़ी बूढ़ी हो या फिर लड़की है जो आपका गाना आया था, आप खुद आप लोग आपसे डांस सीखते थे, तो इंस्टीट्यूट आपकी तरफ से आया डांस के लिए? इंस्टीट्यूट मतलब टेक्निकली बोला जाए तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन यस जावेद नावेद और मैंने एक प्लेटफॉर्म छोटे वे में हमारे दिया विच इज़ कॉल्ड बूगी बूगी और हमें बड़ी खुशी होती है कि यू नो वहाँ से काफ़ी लोग आगे बढ़े. तो या एक इंस्टीट्यूट समझ लीजिए, एक लर्निंग प्रोसेस समझ लीजिए लोगों का एंड अ प्लेटफॉर्म बहुत ज़रूरी होता है. सर उस प्लेटफॉर्म का आप भी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, कब वो? एक्चुअली मैं भी बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ, मैं अभी चैनल से पूछ के आपको बताता हूँ, बट वेरी सून. थैंक यू. थैंक बहल और आप ऑन एनडी हरियाणा, अपना कल्चर अपना चैनल. सी दीप्ति इज अ सुपर एक्ट्रेस, तो इंस्टीट्यूट आल्सो इज गोइंग टू बी सुपर डेफिनेटली. थैंक यू सर. थैंक यू. फिर धीरे धीरे उठा के लाएंगे लोगों को अंदर से, बहुत माइंड ब्लोइंग पार्टी होने वाली है. फिर जब पार्टी पे एक बजे के बाद आप रुके तो फिर उठाना पड़ता है. कोई शादी की उससे कोई फायदा नहीं, जब डिवोर्स हो जाए तब मजा आता है, तो मीडिया को अलग ही मजा है, तो वो मजा बहुत आने वाला है अभी थोड़ी देर में. जानना चाहेंगे दीप्ति आज इंस्टीट्यूट में बुलाया एक्टिंग का, जी जी कितनी जरूरत पड़ती है आज के नौजवानों को एक्टिंग इंस्टीट्यूट की, क्या वो एक्टिंग सीख के लिए? नहीं बिल्कुल सही, करेक्ट पूछ रहे हैं. एक्ट करना परफॉर्म करना एक इनबॉर्न क्वालिटी होती है, बहुत लोग कहते हैं कि इनबॉर्न क्वालिटी है, बट एट द सेम टाइम जितने एक्टर्स हैं हम लोग भी जैसे कॉमेडी करते हैं या फिर डांस करता हूँ या 10 चीज़ें करता हूँ, शोज करता हूँ, होस्ट करता हूँ, लेकिन आपको एक क्लासेस की ज़रूरत इसलिए होती है कि आप वहाँ पर थोड़ा एक रिफाइंड हो जाते हो, थोड़ा एक हल्की पॉलिशिंग हो जाती है ना, बोलते हैं ना जूता अभी नया नया आया है लेकिन थोड़ा धूल वूल रहती है उसके ऊपर, थोड़ा हल्का कपड़ा ब्रश मारो थोड़ा चमकता है. तो आई थिंक एक्टिंग इंस्टीट्यूट और चलते भी इसी वजह से, और दीप्शिका ने ये एक्टिंग इंस्टीट्यूट ओपन किया है तो अच्छी बात है, उसका एक्सपीरियंस है, उसने बहुत साल काम किया है, फिल्में की हैं, टेलीविजन किया है, वो तो उसको पता है कि क्या नया बंदा जब आता है तो उसको क्या 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 करने की ज़रूरत है, क्या क्या पॉलिश करेगा, क्या क्या चीज़ें सिखाएंगे. मुझे पता नहीं बेसिकली कि इंस्टीट्यूट में क्या क्या चीज़ें करवा रहे हैं, बट अगर कोई बंदा जो काम कर चुका है इतने सालों से वो एक्टिंग इंस्टीट्यूट खोलता है तो आई थिंक इट्स अ गुड थिंग और लोगों को बढ़िया सिखाएंगे वो. आई थिंक आई शुड टॉक अबाउट दीप्शिका, क्योंकि दीप्शिका का ये इवेंट है और शी इज़ डन अ फैंटास्टिक जॉब, कि वो अभी वो एक तो फैंटास्टिक एक्टर है और उसने ये इंस्टीट्यूट खोला है, शी इज़ गोइंग टू हेल्प अ लॉट ऑफ पीपल. बट लाइक माई फ्रेंड सेड हियर, आर्टिस्ट एंड इडियट्स आर बॉर्न नॉट मेड. मैंने नहीं बोला, चार्ली चैप्लिन ऐसा बोलता है, आज के लिए मैंने बोला. बट शी इज गोइंग टू हेल्प पीपल लर्न रिफॉर्म, लाइक यू सेड कि कोई सीख के कुछ भी सीख के नहीं आता, बट यहाँ पे पॉलिश करने वाले बहुत सारे मिलते हैं. आई थिंक दीप्शिका विल रियली डू अ गुड जॉब, शी इज ब्रिलियंट. मैंने एक्टिंग इंस्टीट्यूट तो नहीं ज्वाइन किया, मेरी एक्टिंग तो सिर्फ थिएटर ही रही है और मकरंद देशपांडे के थिएटर ग्रुप में मैं हूँ, सो आई थिंक दैट इज एन इंस्टीट्यूट इन इटसेल्फ, ही इज़ एन इंस्टीट्यूट इन इटसेल्फ. और हम हमेशा आप किसी ना किसी से तो सीखते रहते हैं, जरूरी नहीं कि आप एक कोस्टार से ही सीखो, यू लर्न इवन फ्रॉम द स्पॉट बॉय कि क्या नहीं करना चाहिए, कैसा बिहेव करना चाहिए, क्या होता है, सो यू कीप लर्निंग एवरीडे और जो सीखता है रोज वही आगे बढ़ता है. आई थिंक वर्सेटाइल है वो बहुत हर चीज़ में, और अभी तक जहाँ तक कॉमेडी का सवाल है हमारे शोज चले हैं,
सक्सेसफुल हुए हैं अभी नहीं, कॉमेडी सर्कल से लेकर कॉमेडी नाइट्स से लेकर जितने भी शोज़ किए हमने सक्सेसफुल हुए। मैंने और कश्मीरा ने बहुत सारे डांस शोज़ किए, वो भी अच्छे सक्सेस रहे हैं टेलीविज़न पे। फिल्में भी मैंने की रोहित के साथ, रोहित शेट्टी के साथ, बोल बच्चन की, एंटरटेनमेंट की, क्या कूल है हम की। लेकिन आई थिंक वर्सेटैलिटी, जो हर चीज़ में परफेक्ट, आई थिंक मैं इसलिए नहीं कह रहा, मेरे मामा हैं और पब्लिक भी ये कहती है कि वो अगर एक्शन करें, रोमांस करें, डांस करें, चाहे कुछ भी करें, वो हर चीज़ में परफेक्ट हैं। और हर चीज़ में परफेक्शन पाने के लिए ना बहुत टाइम लगता है, पता नहीं कितने साल लग जाते हैं, आदमी सीखता रहता है। इन्होंने बिल्कुल सही कहा कि लर्निंग प्रोसेस है, हम जब भी कोई नए एक्टर के साथ काम करते हैं कोई नई चीज़ सीखते हैं, तो एवरी टाइम यू आर लर्निंग। और हम लोग क्या है, हम लोग तो चलो भी बच्चे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन अगर आप अमित जी से भी पूछे तो वो भी यही कहते हैं कि आई एम लर्निंग, लेकिन अभी भी नए लोगों के साथ काम करके सीखता हूँ। एक्टर का काम ऐसा ही है कि वो एंड तक, चाहे वो 90 साल का हो जाए, तब भी फिल्में करता रहे, तब भी बोलेगा कि यार मैं अभी कुछ नया, मैंने इस जनरेशन के साथ कुछ नया सीखा। आई थिंक इट्स अ लर्निंग प्रोसेस। और दीपशिका का भी जो एक्टिंग इंस्टीट्यूट है, ये एक शुरुआत है लर्निंग प्रोसेस की, बोलते हैं ना फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट स्टेप व्हेन यू कम अक्रॉस अ वेरी सीनियर पर्सन और जिसने इतना सारा काम किया है, उससे अगर मैं ये नहीं कहता कि 90% आप सीख जाओगे, लेकिन अगर 40% भी सीख जाओ तो वो भी बहुत बड़ी बात, वो भी उनके लिए 100% होगा। और जहाँ आपने वो सवाल पूछा उसका जवाब मैं देता हूँ कि तब से बहुत अच्छा लगा मुझे, आप पता नहीं कब से जानते हो मुझे, कि उससे यहाँ से लेकर अभी तक क्या फर्क है। हाँ बिल्कुल, तो तब से अभी तक ये असर रहा है कि तब से 2007 तक मैं सिर्फ काम ही कर रहा था लेकिन कुछ हो नहीं रहा था, लेकिन जब 2007 में मैं कश्मीरा को मिला तो उसने मुझे बताया कि तुम अगर टैलेंटेड हो तो तुम इतना सा काम कर रहे हो एक फील्ड में, तुम्हें इतना करना चाहिए। तो शी इज़ द वन हु गॉट मी देयर ऑन टेलीविजन। मैंने नच बलिए किया, बड़े शोज़ किए, और आज मैंने वन ऑफ द बेस्ट शोज़ किए टेलीविजन। अभी दीपशिका के बारे में बात करें तो ऑब्वियसली मैं बहुत खुश हूँ कि दीपशिका ने एक नया स्टेप लिया है, इतनी एक्सपीरियंस वो खुद है, तो जो अपना एक्सपीरियंस, इतने साल का एक्सपीरियंस है जो उसने अपने एक्टिंग में डाला है, अब वो लोगों के साथ शेयर करेगी, स्टूडेंट्स को सिखाएगी, तो आई एम श्योर उनको नया कुछ सीखने के लिए मिलेगा। यू नो टिपिकल एक्टिंग इंस्टीट्यूट्स हम लोग देखते हैं जब बॉम्बे में आते हैं, मुंबई में आते हैं, जो कि एस्पायरिंग एक्टर्स होते हैं ना, उनको लगता है कि कौन सा इंस्टीट्यूट हो, कौन सा ज्वाइन करें, कुछ एक आध नाम वाले हैं, तो आई थिंक ये जो इंस्टीट्यूट है वो कुछ नयापन लेके आएगी। एंड आई एम श्योर अपने एक्सपीरियंस से बहुत कुछ अच्छा सीखने वाली है। मैं बहुत ऑलरेडी बहुत देख रही हूँ क्रैश कोर्स, डिप्लोमा कोर्स, ये वो एक आध, तो मुझे लगता है कि मुझे भी सीख लेना चाहिए क्योंकि दीप्ति को खुद इतना अच्छा एक्सपीरियंस है। इस चीज़ को लेके हम दोनों बहुत ही पारदर्शी हैं, बहुत ही ट्रांसपेरेंट हैं, बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली हैं। हम लोग एक दूसरे की कितनी तारीफ़ करते हैं उससे ज़्यादा हम लोग एक दूसरे की कमियां बताते हैं एक दूसरे को, जो कि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर और कोई आपकी कमी नहीं बताएगा, जो आपका खुद बहुत खास है, अपना है, वही आपको कमी बताएगा, और अगर वो आपकी झूठी तारीफ़ करने लग जाए तो बहुत गलत है। तो मुझे लगता है हम दोनों ही एक दूसरे की जो कमियाँ हैं वो बताते हैं, उसको सुधारते हैं। और संभावना के अंदर मैंने जो एक्टिंग देखी अभी फ़िलहाल, उन्होंने कुछ सीरियल्स में काम किया, इसमें एक रज़िया सुल्तान है, तो मैं खुद बहुत शॉक्ड रह गया। मैंने एक्सपेक्ट किया था लेकिन इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो इतनी अच्छी एक्ट्रेस हैं। आई थिंक अच्छा इंसान, अगर आप अच्छे इंसान हो ना तो दुनिया की सारी चीज़ें आप ओवरकम कर जाते हो। आपकी कोई बाकी की कमियां भी है ना तो वो भी आप उसको धीरे धीरे ठीक कर सकते हो, लेकिन आप अगर अच्छे इंसान ही नहीं हो तो फिर बाकी सारी चीज़ें खत्म हो जाती हैं। अच्छे एक्टर हो, बहुत अमीर हो, बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, बहुत शान शौकत है, उसका कोई फ़ायदा नहीं मेरे हिसाब से। अगर मुझसे पूछेंगे तो अच्छा इंसान होना बहुत ज़रूरी है। तो
मैं बुरी आदतें तो नहीं कहूंगा, लेकिन वो एक तो नहीं नहीं उनकी एक ये आप एक्सपेक्ट भी मत करना कि डिप्लोमेटिक हो ही नहीं सकते, डिप्लोमेटिक हम दोनों में से कोई भी नहीं हो सकता है। संभावना की ये आदत मैं कहूंगा कि बुरी नहीं है, लेकिन ये इनका जो बेबाकपन है किसी भी चीज को किसी के मुंह पर कह देना, वो कई जगह 90% बहुत अच्छा काम करता है, 10% ही नहीं करता है। वो भी शायद इस वजह से कि लोग उसको नहीं ले पाते, लेकिन फिर भी मैं इस कमी को चेंज नहीं करना चाहूँगा क्योंकि ये मुझे बहुत पसंद है। तो मुझे लगता है ये फेस पे क्या देने वाली चीज़ जो बहुत अच्छी है, और हाँ कहीं ना कहीं इसको कमी भी कह सकते हैं अगर कहा जाए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। Thank you.